गांधी पार्क पर सोने की चैन लूटकर भागे दो बदमाश। पुलिस का आईडी कार्ड दिखाकर कहा, साहब के ऑर्डर है, चैन उतार कर रख लो। शहर के गांधी पार्क पर एक दंपति के साथ लूट की वारदात को दो बदमाशों ने अंजाम दिया है। आपको बता दें कि दोनों बदमाशों ने पुलिस का आईडी कार्ड दिखाकर कहा कि साहब का ऑर्डर है, यहां पर लूट हो गई है, ऐसे में आप चेन पहनकर मत घूमिए। जानकारी के मुताबिक ऋषभ जैन पत्नी आरती जैन के साथ गांधी पार्क में दर्शन के लिए गए थे। इसी दौरान जब वो 11 बजे पार्क पर पहुंचे तो बदमाशों ने पुलिस का आईडी कार्ड दिखाकर कहा कि हम पुलिस के आदमी है, यहां पर लूट हो गई है, आप चैन पहनकर मत घूमिए। इसके बाद महिला ने चैन उतारकर पति को दे दी। पति ने चैन को अपने पास में जेब में रख लिया। तभी बदमाशों ने कहा कि जेब में नहीं, आप गाड़ी में रख लीजिए। इस दौरान जब ऋषभ जैन जेब से चैन को एक्टिवा की डिग्गी में रखने लगे तभी दूसरे बदमाश ने चैन छीनकर अपने पास ले ली। इस दौरान दूसरा बदमाश ने बाइक चालू की और वहां से फरार हो गया। उनका पैदल पीछा भी किया लेकिन वहां से वह रफू चक्कर हो गए, जिसकी शिकायत पति पत्नी ने कोतवाली थाने में दर्ज कराई। अंकल आपका ऋषभ कुमार जो है। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? मोती अच्छा, क्या घटना हो गई आपके साथ में? घटना ये हुई कि हम दोनों दर्शन करने गांधी पार्क पर रुके थे जी। तो एक सज्जन बाहर खड़े थे, एक दो लड़के थे जी। तो एक लड़का बोला कि साहब मैं पुलिस का आदमी हूँ, ये मेरा कार्ड है और साहब का ऑर्डर है कि यहाँ कोई लूट हो गई है, इसलिए जिस सोने की चैन में आप पहन के आए हो तो उतार के आप रख लो। अच्छा, उसका कार्ड की वजह से हमने उस पर भरोसा कर लिया। कार्ड बता दिया, उसका कार्ड है ठीक है। तो वो हमने सोने की चैन उतार के रख ली अपनी जेब में। मैंने कहा ठीक है, मैं मैसेज से बोला कि आप अंदर बैठो, मैं घर होके आता है, ये रख आऊँ। मैंने कहा जेब में रख रखी थी, जो ने चैन जेब में रख रखी थी। तो बोला नहीं साहब, जेब में मत रखो क्योंकि लूट माट मची है, ऑर्डर हमारे पास जो है आप गाड़ी में रखो। अच्छा, जैसे ही वो मैं गाड़ी में डिग्गी खोल के गाड़ी में चैन रखने लगा तो वो पीछे जो लड़का खड़ा था उसने वो झपट्टा मारा और आगे वाले ने गाड़ी स्टार्ट की। तो गाड़ी पे स्टार्ट की तो मैंने उसकी गाड़ी आगे से पकड़ी। उसका आगे का सारा गाड़ी कौन सी थी अंकल? पल्सर थी। अच्छा, मोटरसाइकिल। कितने लोग थे? दो लोग थे। किधर भागे हैं ये? भागे हैं सर, ये कल्लंग सोप फैक्ट्री पे जाके इनने कपड़े बदले हैं। अच्छा, ये तो आपने पीछा करा था क्या उनका? नहीं, वो आपके भाई साहब। हाँ 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 वो मैं तो पैदल भग रहा था उनका। अच्छा अच्छा, कहाँ तक भग? तो वो मोटरसाइकिल से गए थे। तो जिन लोग सहीसपुरे से निकले हैं माधव चौक किराए पे हो गए थे, कल्लंग सोप फैक्ट्री पहुँचे जी जी। और कल्लंग सोप फैक्ट्री पे इनने अपने कपड़े बदले हैं। एक पास मेरे पास है हेलमेट। अच्छा जी, हेलमेट उसी का है? अच्छा अच्छा, एक हेलमेट वो उनके पास जी। दोनों हेलमेट लगाए थे? दोनों हेलमेट लगाए थे, मतलब पहले तो नहीं लगाए थे, अब लगा लिए होंगे। एक्टिवा आपकी है ये वाली? एक्टिवा। अच्छा अच्छा।